सो ही गाइस व्हाट्स अप, दिस इज जॉन। वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो हम एक चैलेंज करने वाले हैं जो कि इस बाइक के साथ है, यहाँ पे जो आप देख सकते हो। तो फिलहाल मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कौन कौन सी बाइक इस चैलेंज में शामिल होने वाली है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर, अभी भाई ये कौन चिल्ला रहा ऊपर, अभी इसको यहाँ पे जगह मिली थी यहाँ पे। यार ये देखने आया है या फिर एक्सरसाइज करने आया है? तो कोई नहीं, दिक्कत भाई। हमारे तो RC390 है KTM की, आप देख सकते हो। ये हमारी BMW सबसे फेवरेट बाइक है इन चारों में शरीक है, और ये शायद से निंजा ZX10 है। हाँ ये निंजा ZX10 है, ठीक है, निंजा की बाइक है। और ये जो हमारी निंजा KV है जो कि निंजा H2R है, ठीक है, इसका मॉडल नंबर है। तो ये भाई इसको यार मैं मार दूंगा अभी यहाँ पे। भाई तू चले जाए यहाँ पर, मोटिवेशन देने आया, सोचा कि मैं कर दूँ। तो भाई साहब यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ इस चैलेंज में हम कहाँ से क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपने ड्रोन शॉट से दिखा देता हूँ कहाँ कौन से चैलेंज करना। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते, ये काफ़ी बड़ा रैंप है, ठीक है भाई साहब। अगर नीचे जाओगे तो ऊपर दिखेगा ही नहीं, इतना बड़ा है, ठीक है। आप नीचे देख सकते हो कितनी ऊंचाई पर ये रैंप है। तो गाइस हमें करना क्या, इस रैंप से लेकर जाना है मुझे नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ पर यार ड्रोन की स्पीड भी थोड़ा स्लो है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ अगर रैंप की बात करें भाई साहब, ये जो स्काई रैंप है सबसे हाई रैंप है अभी तक का, ठीक है। तो यहाँ से भाई साहब हम लोग बाइक कूदाने वाले हैं, अगर नीचे गए तो सीधा ऊपर जाएंगे भाई साहब। इसलिए मेरे को अच्छे तरीके से इसको जो भी जंप कराना है, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट जो रैंप खत्म होता है, और यहाँ से हमको जंप कराना है सबसे मेन बात। यहाँ से हमको जंप करा के वहाँ से आप देख सकते हो पूरा, वहाँ से जो भी बाइक्स हैं आएंगे यहाँ से हमें जंप करा के इस जो टायर के बीच से मेरे निकाल के इस जो कंपाउंड है इसमें मेरे को जंप कराना, ठीक है। लेकिन बाहर से अगर कोई भी बाइक जंप होती तो चैलेंज से बाहर हो जाएगी, ठीक है। तो सोच रहा हूँ इसको स्टार्ट कर दूँ अभी से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी चैलेंजेस है टायर के अंदर से ही होने वाली है, ठीक है। अगर टायर से बाहर से ये चैलेंज खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले ट्राई करता हूँ निंजा H2R से, ठीक है। तो यहाँ से भाई बैठ जा माइक का। तो यहाँ पर भाई साहब हम बैठ चुके हैं, और हेलमेट पहन लेते भाई साहब, नहीं तो यहाँ पर इतनी बड़ी रैंप है इतना ऊंचाई पे तो गिरचे गिरेंगे तो सीधा ऊपर जाएंगे। तो हमने रेस लगा दी है गाइस, अब देखना है कि निंजा H2R क्या ये चैलेंज हमारा जो कंप्लीट कर पाती है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड, इसकी टॉप स्पीड कितनी ज़्यादा है, 300 आई थिंक क्रॉस कर जाएगी मेरे को लग रहा है। भाई साहब ये रैंप इतना ज़्यादा बड़ा है, जाने में वहाँ तक कितना टाइम लग जा रहा, हालांकि 300 तो क्रॉस कर गए इसकी जो स्पीड है। हालांकि हमें यहाँ से स्पीड से नहीं मतलब है, हमें चैलेंज कराना है बस। ओ भाई चल तो जाएगी ना ये। ओ नहीं यार तो गाइस यहाँ पे हमारा जो चैलेंज है फेल हो जाता है, ठीक है। तो भाई साहब ये तो फेल हो गया निंजा H2R, भाई इस चैलेंज को नहीं कर पाई कंप्लीट। हालांकि चैलेंज हो जाता कंप्लीट, लेकिन यार थोड़ा सा रह गया, नहीं तो ये अंदर चली जाती इस टायर के। तो गाइस हम दोबारा से आ गए हैं, अब हम निंजा ZX, आई थिंक निंजा ZX से ट्राई करें या फिर कोई और बाइक से। तो स्टार्टिंग में सोच रहा हूँ मैं इसी से कर दूँ भाई। सभी एक्सरसाइज करते जा रहा लगता है, बॉडी बिल्डिंग में जाने वाला है। देखो यहाँ यहाँ सुअर वगैरह भी लेके आ गए भाई साहब, क्या है, चल रहा है। तो कोई नहीं गाइस, हम यहाँ से फिर हमारे जो दूसरी बाइक है जिसकी निंजा H2R है, निंजा ZX है, सॉरी निंजा ZX है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसकी स्पीड भाई लगा देता हूँ। भाई इसकी स्पीड तो काफी अमेजिंग है यार, ठीक है, बहुत जल्दी पकड़ ली निंजा H2R से, जल्दी है इसकी जो स्पीड है जल्दी पकड़ ली, ठीक है। वो 200-300 क्रॉस करने ही वाली है, हमें फिर अभी क्रॉस ही कर जाएगी। हो गई हो गई। तो गाइस इस चैनल पे मैं बहुत सारी ऐसे रैम वीडियो मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो अगर पसंद आएगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर हम जंप लगा दिए हैं, बस यही हमें करना है। यहाँ पे जंप लगाने के बाद इसके टायर के बीच से मेरे को निकालना है। ओ भाई नाइस,
भाई हमारी जो निंजा जेडेक्स है ना, ये हमारी जो रैंप चैलेंज है कंप्लीट कर दी है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, एक लाइक जरूर कर देना इसके लिए। भाई साहब मेरे को नहीं लगा था कि कंप्लीट हो भी पाएगा, मेरे को लग रहा था कि ये टायर के ऊपर से चली जाएगी, लेकिन भाई साहब कंट्रोल में आ गई। ठीक है तो इसको यहीं पर साइड में लगा देते हैं, कंप्लीट कर लिए। तो हम गाइस हम दोबारा से आ गए हैं, अब हम BMW की टेस्ट करने वाले हैं कि अब ये हमारी अभी तक की जो निंजा H2R थी वो तो नहीं कंप्लीट से चैलेंज से बाहर निकल गई, और दूसरी हम लोग ट्राई किए ZX10 जो कि इस चैलेंज को कम्प्लीटली उसने फुलफिल कर दिया। ठीक है तो अभी तक की विनर वही है, अब देखना है कि BMW क्या इस जो ZX10 को बीट कर पाती है इस चैलेंज में या नहीं। तो भाई साहब यहाँ पर फुल स्पीड, भाई साहब इसकी स्पीड तो देखिए गाइस एक बार, ओ माय गॉड, अगर इसी स्पीड से चलता रहूंगा ओरे। तो गाइस यहाँ पर भाई साहब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी भाई साहब, ये रैंप पर यहाँ से अपने यहाँ कॉर्नर पे आई तो ये सीधा का सीधा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई गाइस, मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तो भाई साहब यहाँ पर स्पीड के मामले में ये नंबर 1 विनर है भाई साहब इसमें। ठीक है तो इसको हम चैलेंज से बाहर करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे जो मेन चैलेंज है वो नहीं कंप्लीट कर पाई BMW। ठीक है हालांकि स्पीड तो इतनी खतरनाक थी भाई साहब, इसलिए मेरी वो फेवरेट बाइक है BMW 1000 RR। ठीक है तो यहाँ पर हमारी भाई साहब छपरी वाली बाइक आ गई, KTM RC 390। बुरा मत मानना यार, छपरी बोलता हूँ, सीरियस मत लेना यार, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है तो ये हमारी RC 390 है गाइस, तो यहाँ से अभी हम इसको चैलेंज कंप्लीट करने वाले हैं। भाई साहब ये 300 क्रॉस कर पाएगी या नहीं, हमें लग रहा है कर दी कोई दिक्कत नहीं। गाइस ये भी 300 क्रॉस कर गई यार, खतरनाक स्पीड है। अब इसको टेस्ट करना है कि क्या ये थोड़ा सा स्लो करके मेरे को यहाँ से करना है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो रैंप पे कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। क्या ये कंप्लीट कर पाएगी हमारी, ये नहीं गाइस, हालांकि यहाँ तक तो आ गई है लेकिन हमें टायर के बीच से निकालना था तो ये चैलेंज नहीं कंप्लीट कर पाई गाइस। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि अगली वीडियो रैंप चैलेंज और लाए या नहीं। ठीक है और बहुत सारी मैंने गाड़ियों के ऑफ रोडिंग भी करता हूँ, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जो फिलहाल कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।